अब पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। अब जो खबरें ईरान से आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान ने फैंटम से हमले की तैयारी कर ली है। इसराइल को उखाड़ेगा ईरान का F-4 फैंटम। अभी तक आपने ईरान के 48 बंकरों में मौजूद एक से बढ़कर एक घातक मिसाइलें, बम और ड्रोन देखे हैं। अब आप देखिए ईरान का वो खूनी हवाई लड़ाका जिसे F-4 फैंटम जेट कहा जाता है। युद्ध के मैदान में ईरान का यह हवाई लड़ाका किसी प्रेत से कम साबित नहीं होगा। बाज की तरह झपट्टा मारने वाला ये ईरानी लड़ाकू जेट बहुत बड़े मिशन पर निकल चुका है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ईरान के F-4 फैंटम को जंग में उतारने के लिए ईरान के एक जेम्स बॉन्ड ने अमेरिका और इसराइल को जबरदस्त खुफिया मात दी है। इसराइल का काल, ईरान का F-4 जेट। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयरफोर्स इस वक्त इजरायली मिशन पर जुटी हुई है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ईरान इसराइल पर ऐसा हवाई हमला करने जा रहा है जिसके बारे में ना तो इसराइल को भनक लग पाई और ना ही अमेरिका ईरान के वॉर प्लान को समझ पाया। 300 दिन से ज्यादा की गाजा जंग के बाद इसराइल पर ईरान घातक हवाई हमला करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इजरायली वायुसेना के खिलाफ ईरान ने उन अमेरिकी विमानों से हमला करने का प्लान बनाया है जो 70 और 80 के दशक में ईरान को अमेरिका से मिले थे। ईरान ने बंकर से F-4 फैंटम लड़ाकू विमानों को जंग के मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। जरा देखिए ईरान इजरायल के कई इलाकों पर किस तरह से हमला करने जा रहा है। खबर के दावों के मुताबिक ईरान ने इसलिए इसराइल पर हमला करने में देरी की ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट को हमला करने के लिए तैयार कर सके। दावों के मुताबिक इस वक्त ईरानी वायुसेना के टॉप फाइटर पायलट्स ने F-4 फैंटम से इसराइल पर हमला करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। दावा किया गया है कि इसराइल पर F-4 फैंटम जेट से बड़े हवाई हमले किए जाएंगे। खासतौर से इसराइल के हाइफा और तेल अवीव पर ईरान की खास नजर है। दावों के मुताबिक अगर ईरान के लड़ाकू विमान F-4 फैंटम इसराइल के हाइफा और तेल अवीव पर हमला करने में कामयाब हो जाते हैं तो एक तरह से अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा साबित होगा, क्योंकि ईरान के पास जो फैंटम 4 लड़ाकू विमान इस वक्त हैं, वो सभी लड़ाकू विमान ईरान को अमेरिका से मिले थे। ईरान अपने मिसाइल और हवाई ताकत के दम पर ही इसराइल को गंभीर नतीजे भुगतने की धमकियां दे रहा है और ईरान की धमकी को पीएम नेतन्याहू जरा भी नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। و فکر میکنه که میتواند کشورها را با ترور دانشمندان هسته‌ای را در خیابان‌ها ترور کند تا یک کشور از دستیابی به انرژی هسته‌ای باز بماند. این مضحک‌ترین استراتژی است برای دستیابی به یک هدف سیاسی. برای ما سناریوهای مقابله رهبر یک جریان انقلابی و مبارز آزادی‌خواه कैसे ईरान के एक जेम्स बॉन्ड ने अमेरिका से F-4 जेट के कलपुर्जों को ईरान पहुंचाया और अब यही F-4 फैंटम जेट इजराइल और अमेरिका पर भारी पड़ने जा रहे हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग यानी DOJ ने ईरान को मैकडोनल डगलस F-4 फैंटम विमान के कलपुर्जों की तस्करी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दावा किया गया है कि एक अमेरिकी ईरानी F-4 फैंटम जेट को जबरदस्त हवाई ताकत देने के लिए लगातार अमेरिका से जेट के कलपुर्जों की तस्करी कर रहा था। दावा किया गया है ईरानी जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर जेफरी नादर ने कैलिफोर्निया स्थित कंपनी प्रो एरो कैपिटल के जरिए F-4 फैंटम जेट के कलपुर्जों को ईरान पहुंचाया है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के जेम्स बॉन्ड जेफरी नादर ने 2023 से ईरान को लगभग 30 जेट विमानों के लिए कलपुर्जे पहुंचा दिए थे। ईरान को अमेरिका से 1979 में F-4 फैंटम विमान मिले थे। दावा किया जा रहा है ईरान के पास बंकर में 60 से ज्यादा F-4 फैंटम फाइटर जेट मौजूद हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयरफोर्स के पास इस वक्त 4 एयरबेस हैं जिन पर लगभग 60 F-4 जेट तैनात हैं। एयरबेस बंदर अब्बास,
बुशहर, चाबहार और हमादान में ईरान ने हमला करने के लिए F-4 फैंटम तैनात कर रखे हैं। F-4 दो सीटों वाला फाइटर जेट है। पूरी तरह से लोड किए गए F-4 का वजन 28 टन हो जाता है। F-4 दूसरे विमानों की तुलना में 10 फीट लंबा है। बहुत भारी होने के बावजूद F-4 Mach 2.2 पर उड़ सकता है और 60,000 फीट तक पहुंच सकता है। F-4 अपने पंखों और धड़ के नीचे 9 हार्ड पॉइंट पर 18,000 पाउंड की मिसाइलें, बम, बाहरी ईंधन टैंक और जैमिंग गियर ले जा सकता है। हवाई युद्ध के लिए फैंटम 4 हीट सीकिंग AIM-9 साइडवाइंडर मिसाइलों के साथ साथ 4 दूसरे AIM-7 स्पैरो सेमी एक्टिव रडार मिसाइलों को ले जा सकता है। इन सभी खासियतों के अलावा फैंटम को इतिहास का शायद सबसे बहुमुखी युद्धक विमान माना जाता है। F-4 हवा से हवा में लड़ाई, हवा से जमीन पर लड़ाई और टोही उड़ानों की बेमिसाल खासियतें रखता है। F-4 फैंटम के हमलों को देखते हुए ही इसराइल ने अपने लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर रखा है। אבל אפשרויות לכל דבר שהדרג המדיני יחליט. יחליט שאנחנו נשארים על פילדלפי, נדע להישאר שם ולהישאר חזק. יחליט שאנחנו מנטרים ופושטים כל פעם שיש לנו אינדיקציה, נדע לעשות את זה. अब आप अंदाजा लगा लीजिए ईरान इसराइल पर हमला करने में देरी क्यों कर रहा है। क्यों इसराइल पर हमला करने से पहले ईरान ने अपने मिसाइल शहरों से दुनिया को चौंका दिया है। फाइटर जेट के साथ साथ ईरान मिसाइलों से घातक हमले का प्लान बना चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के आदेश पर बंकरों में मौजूद ईरान की मिसाइल ब्रिगेड ने पूरी तैयारी कर रखी है। ईरान ने बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों को अलग अलग तरह से हमला करने का प्लान बनाया है ताकि इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया जा सके, खासतौर से आयरन डोम को। ईरान के मिसाइल सुनामी प्लान के मुताबिक ईरान इसराइल के तेल अवीव, हाइफा समेत 10 शहरों को टारगेट करेगा ताकि इजरायली सेना को संभलने का मौका ही ना मिले। ईरान अपने मिसाइल शहरों से एक ही बार में इतना बड़ा हमला।